नेहा सिंह की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, क्योंकि उन्होंने जो ये कृत्य किया है ये काफी घृणा कृत्य है। भोजपुरी की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अब बुंदेलखंड में भी मुश्किल में फंस गई हैं। काहे के छतरपुर कोतवाली थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। IPC की धारा 153A के तहत उन पर मामला दर्ज हो गया है। छतरपुर अधिवक्ता परिषद के मीडिया प्रभारी और RSS के पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर जो मामला दर्ज भाव है, दरअसल सीधी जिला के पेशाब कांड को लेकर नेहा सिंह राठौर द्वारा RSS की पोशाक से मिलती जुलती पोशाक दिखाए जावे संबंधी ट्वीट करेगा तो, और ई के बाद अब ई पूरे मामले में भोपाल में FIR हो चुकी है और कोतवाली थाना छतरपुर में भी नई FIR हो गई है इनके खिलाफ। एक सीधी में घटना हुई थी जिसमें एक आदिवासी युवक के ऊपर एक युवक द्वारा पेशाब की गई थी, उसी के चित्र को लेकर नेहा सिंह राठौर हैं जो लोक गीत गायिका हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम ट्विटर पर एक पोस्ट डाली है जिसमें एक व्यक्ति RSS की गड़वेश धारण किए हुए है और वह एक युवक के ऊपर पेशाब कर रहा है। जो गड़वेश है वह RSS की गड़वेश से ताल्लुकात रखती है और वही मीम बनाकर यानी कि पोस्टर बनाकर उन्होंने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर डाला है, जिससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि हम RSS के पदाधिकारी हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, जितने भी संघ के कार्यकर्ता हैं सबको बुरा लगा है ये पोस्ट देखकर और उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। इसीलिए हम लोगों ने आज यहां पर पहुंचकर सिटी कोतवाली पहुंचकर एक आवेदन दिया और FIR कराई। यहां पर उनके ऊपर 153A के तहत FIR हो गई है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि नेहा सिंह की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, क्योंकि उन्होंने जो ये कृत्य किया है ये काफ़ी घृणा कृत्य है। RSS एक संस्था, समाज सेवी संस्था है, देश के लिए काम करती है, राष्ट्र के हित में काम करती है और इस तरह का कृत्य उन्होंने किया है, इससे हम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। और हम किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ तो अभी FIR हो गई है, हम लोगों ने FIR करवा दी है, अब हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और वो गिरफ्तार होकर आएँ और अपना माफ़ीनामा लिख कर डालें। वो जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला है वो खुद माफ़ीनामा लिख कर डालें कि मैं माफ़ी मांगती हूँ कि हमने इस तरह का मीम बना कर डाला है। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो एक बड़ा आंदोलन उनको देखने के लिए मिलेगा। किया गया है नेहा सिंह राठौर पर, क्या पूरा मामला है? क्या ये जुनेब खान उर्फ JK आसू जो अधिवक्ता परिषद के मीडिया प्रभारी हैं, इनके द्वारा अपने साथियों के साथ थाने प्रस्तुत आकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि एक ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट डाली गई है जिससे दो समाजों के बीच में वैमनस्यता वातावरण निर्मित हो रहा है। प्रथम दृष्टया इनके आवेदन पत्र पर 153A के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। पुलिस जांच कर रही है कि उक्त ट्विटर अकाउंट किसके द्वारा चलाया जा रहा है और साइबर सेल जानकारी लेकर प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, किस का ट्विटर अकाउंट है, किस नाम से है? अभी ये नेहा सिंह राठौर नाम से ट्विटर अकाउंट डाला गया है और इसके संबंध में जांच कर रहे हैं कि उक्त ट्विटर हैंडल किसके द्वारा चलाया जा रहा है, इंस्टाग्राम अकाउंट किसके द्वारा चलाया जा रहा है, पुलिस जाँच कर रही है। जाँच पर जैसी स्थिति आएगी वैसी कार्रवाई करेंगे। सीधी के पेशाब कांड के बाद MP में काबा कमिंग सून को भी सोशल मीडिया पोस्ट जारी करेगा तो नेहा सिंह राठौर के खिलाफ, लेकिन MP में काबा फिलहाल तो नेहा सिंह राठौर पे FIR बा। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।